हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरलीन और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने आसपास से नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आज आपको बताया था मॉर्निंग में कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं आजकल कि सब लोग इमोशनली अप्स डाउन फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अराउंड नेगेटिव एनर्जीज हैं। सब कुछ होते हुए भी वो अपसेट फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं या अपने ऑफिस में, घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। अगर आपको हैवीनेस फील हो रही है तो दैट मीन्स कि आपके आसपास कुछ ना कुछ तरह किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जीज हैं, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे वो अनइंटेंशनल हो। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या आप कर सकते हो। अगर आप कहीं भी जा रहे हो और आपको लगता है कि उस जगह पे जाके आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आपको हैवीनेस लग रही है या आप ऐसा चाह रहे हो कि आपको यहाँ से जाना है, तो आप वहाँ पे नहीं रुकिए ज़्यादा देर, बिकॉज आपके ऑरा में वहाँ से जो नेगेटिविटी आएगी फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके घर पे, आपके वर्क एनवायरमेंट में। तो आप अगर किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकें, बिकॉज जिसके नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपको कैच कर सकती हैं बहुत जल्दी अगर आपका ऑरा वीक है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपको नेगेटिविटी कैच नहीं करेगी इजीली। तो कैसे हम सॉल्व करें ये इशू, कैसे हम अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। अपने चक्रस को बैलेंस करना, अपने ऑरा को एनहेंस करना, बट तीन चार मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपनी भी, अपने फैमिली मेम्बर्स की भी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में रॉक सॉल्ट रखिए। आप किचन में रख सकते हैं, आप बाथरूम्स में रख सकते हैं, किसी भी एक कांच की बाउल में आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट रखिए और उसको एवरी 15 डेज या आप उसको हर महीने चेंज करें तो वो जो भी नेगेटिविटी है वो सॉल्ट अपने ऊपर ले लेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्ट वाटर से अपने घर की सफाई कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट आप बाथ ले सकते हैं। तो रॉक सॉल्ट अगर आपको मिलता है तो उससे आप नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं। ये एक बहुत बेसिक पहला पॉइंट है, हाउ टू रिमूव योर नेगेटिव एनर्जीज इन योर ऑरा। दूसरा है, आप अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में रखिए। आप फील करिए कि आपके आसपास एक एग है, आप एक बॉल में हैं और आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं इसमें, तो प्रोटेक्शन शील्ड आप लीजिए। ये दूसरा पॉइंट है कि आपने महसूस किया कि आपके चारों तरफ सिर से पैरों तक एक बॉल है, उसके अंदर आप वाइट लाइट महसूस कर सकते हैं। आप ऐसा फील कर सकते हैं कि वाइट लाइट आए हमारे अंदर, उस शील्ड में वाइट लाइट है एंड आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम कवर्ड इन दैट वाइट लाइट। तीसरा पॉइंट, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास क्रिस्टल्स रखेंगे। तो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, जो क्रिस्टल्स हैं वो अगर आप मार्केट से परचेज करके घर पे रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मार्केट से परचेज करके सीधा आप कोई भी यंत्र रखेंगे या आप कोई गुड लक चार्म रखते हैं, आप कोई फेंग शुई का आइटम रखते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो एनर्जाइज्ड नहीं है, जब तक वो चार्ज्ड नहीं है। तो किसी भी चीज़ का मंत्रित होना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी गुरु से, रेकी गुरु से, किसी से भी आप चार्ज करवा के फिर अपने घर पे रखिए तो ही वो काम करेगा। और नहीं तो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ कि आप कैसे चार्ज कर सकते हैं उसको। आप क्रिस्टल लीजिए, उसको ओवरनाइट आप सोक कर दीजिए सॉल्ट वाटर में इन अ ग्लास बाउल। सुबह उठ के उसको आप ठंडे पानी के नीचे, नॉर्मल टैप वाटर के नीचे आप फ्लो करो ताकि वो वॉश अप हो जाए। तब ना आप क्रिस्टल को पकड़ के, आप हाथ में अगरबत्ती भी ले सकते हैं, आप उसको अगरबत्ती करके आप उसको हाथ में पकड़ के यू जस्ट नीड टू चार्ज द क्रिस्टल और आप बोलेंगे कि ये मुझे प्रोटेक्शन देगा, ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। आप जो भी इंटेंशन देना चाहते हैं आप वो इंटेंशन दे सकते हैं।
एंड देन यू कैन कीप इट विद यू, अपने घर पे रख सकते हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हो, मगर आपको हर 15 दिन में आप उससे नेगेटिविटी रिमूव कीजिए, दोबारा से उसको चार्ज कीजिए, दोबारा से आप सॉल्ट वाटर उसको बांध दीजिए, या फिर उसके बाद आप 3 मंथ्स 1 मंथ जैसे जैसे आपको लगता है कि आपके घर पे नेगेटिविटी आ रही है तो आप उसको रीयूज करेंगे रीचार्ज करके। तो क्रिस्टल्स कौन से आप ले सकते हो, देर आर सो मैनी क्रिस्टल्स, आप वाइट्स क्वार्ट्ज ले सकते हो जो स्फटिक है, वो घर में पॉजिटिव एनर्जीज लेके आता है, अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है या पीस नहीं है तो वाइट क्रिस्टल यूज़ करेंगे। अगर घर से नेगेटिविटी रिमूव करनी है तो पर्पल क्रिस्टल है, दैट्स एमेथिस्ट, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप यूज़ करेंगे पिंक क्वार्ट्ज, जो है रोज क्वार्ट्ज, पिंक कलर का स्टोन होगा। इसके अलावा हम 7 चक्रास के क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, 7 कलर्स के, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी क्रिस्टल लीजिए, उसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसे नेगेटिव एनर्जी से सेव हो सकते हैं, अपने ऑरा को शील्ड कर सकते हैं। और अगर इंस्टेंटली आपको अपना ऑरा सेव करना है नेगेटिविटी से, तो आप अपने लेवल पे अपना हैंड रख सकते हैं, एंड देन यू हैव टू चैंट, या आप इंटेंशन कीजिए, आप 5 बार कोई भी मंत्र चैंट कीजिए, कोई जिन भगवान को आप मानते हैं, और उसके बाद आप अपना हाथ रखिए लेवल पे एंड जस्ट फील कि आप डिस्कनेक्टेड हैं इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी से, और आपको उसकी एनर्जीज अटैक नहीं करेंगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई पर्सन नेगेटिव है या उसकी बैड वाइब्रेशंस हैं, आपको ऐसा लगे कि आपको इस पर्सन से बहुत जल्दी नज़र लग रही है, तो आप नेवल पे हाथ रख के भी अपना ऑरा सेव कर सकते हैं। काफ़ी सारे मुद्रास होते हैं, हैंड पोजिशंस होते हैं, जिनसे हम अपना ऑरा इंक्रीज कर सकते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं। तो मे बी इन सम ऑफ माई वीडियोज आई विल ट्राई टू टेल यू कि आप मुद्रास के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, बिकॉज मुद्रा बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने गलत पॉइंट प्रेस कर दिया, आपने गलत फिंगर प्रेस किए, तो उससे क्या होगा कि वो वर्क नहीं करेगी क्योंकि आपने गलत यूज़ किया। तो वीडियो से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मुद्रा से आप एनर्जीज जनरेट कर सकते हैं पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो ऑरा प्रोटेक्ट करना है, अपने चक्रास को प्रोटेक्ट करना है, तो ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए आप पॉजिटिव एनर्जीज में ही रहिए। आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टल्स, थ्रू रॉक सॉल्ट, थ्रू पॉजिटिव चैंटिंग, थ्रू इवन इंसेंस। आप अगर रोज सुबह और शाम अगरबत्ती से घर की क्लीनिंग करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जिन्होंने रेकी की है वो रेकी सिंबल्स यूज कर सकते हैं, विद रेकी सिंबल्स दे कैन चार्ज देयर हाउस, दे कैन चार्ज देयर ऑफिस, दे कैन चार्ज बुक्स ऑफ चिल्ड्रन। आप मेडिसिन चार्ज करके खा सकते हो, आप पानी पी रहे हो उसमें एनर्जी डाल के ले सकते हो, आप जो खाना खा रहे हो आप उसमें एनर्जी यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ में हम एनर्जी डाल सकते हैं। तो आप ज़रूर सब लोग कुछ ना कुछ फॉर्म का ऑफ मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जीज भी रिसीव हो। और जिन्होंने रेकी की है दे कैन कॉन्टैक्ट मी कि कैसे आप रेकी सिंबल्स के थ्रू अपनी रूम को, अपने बेड को, अपनी बुक्स को चार्ज कर सकते हैं। देयर इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। तो आप अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्ट कीजिए, मैंने बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए हैं जो सब कर सकते हैं एंड बहुत सिंपल फॉर्म में हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आप गुड़लक चांस रख सकते हैं, आप यंत्र रख सकते हैं जिसको नज़र बहुत जल्दी लगती है, मगर आप अपने आप से भी ऐसा कीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स नहीं आए, आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, और जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ काम होते होते रुक जा रहा है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। तो आप सब इसको ज़रूर करें, हो सके तो लॉन्ग टर्म, बिकॉज 1-2 बार करने से नहीं होगा, आपको ये लंबा करना पड़ेगा और लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं।